हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत, तो आज बेटा हम आपको बीएससी सेकंड ईयर केमिस्ट्री का अपना 108 वाला लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चा हमारा टॉपिक होगा बेसिसिटी ऑफ एमीन्स, अर्थात एमिनो की क्षारीय प्रकृति या एमिनो की क्षारीयता या एमिनो की क्षारकता। हेडिंग है बेटा बेसिसिटी ऑफ एमीन्स, बेसिसिटी ऑफ एमीन्स अर्थात एमिनो की क्षारकता, बेसिसिटी ऑफ एमीन्स अर्थात एमिनो की क्षारकता। एमिनो की क्षारकता, एमिनो की क्षारकता, बेसिसिटी ऑफ एमीन्स, यह हम कह सकते हैं बेटा बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स अर्थात एमिनो की क्षारीय प्रकृति, एमिनो की क्षारीय प्रकृति। ठीक है, ये आज का टॉपिक। ठीक है, बेसिसिटी ऑफ एमिनो अर्थात एमिनो की क्षारकता या एमिनो की क्षारीय प्रकृति। ठीक है, देखें आप सबसे पहले बेटा जो ये हेडिंग है हमारी एमिनो की क्षारकता, ये समझ लेते हैं। एक शब्द है क्षारकता, तो क्षारकता शब्द समझने से पहले यानी कि बेसिसिटी समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि बेस क्या होते हैं। क्षार, कक्षा छह से आप पढ़ते आ रहे, क्षार क्या होता है, क्षार किसे कहेंगे, क्षार क्या होता है। तो बेटा क्षारकता को समझाने के लिए पांच कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे। एसिड बेस को समझाने के लिए पांच कॉन्सेप्ट दिए थे, एसिड बेस कॉन्सेप्ट के नाम से एक चैप्टर था। तो वहां पे हम एमिनो के केस में अगर पढ़ेंगे, क्योंकि अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं एमीन, अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं एमीन, तो अमोनिया में है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो हम क्यों ना क्षारकता को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वाले कॉन्सेप्ट से समझे। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट था लुइस कॉन्सेप्ट। क्या था, लुइस कॉन्सेप्ट। लुइस ने हमें क्या बताया था, लुइस ने यह बताया था बेटा कि वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं क्षार कहलाते हैं। वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं, दान दे देते हैं, देते हैं मतलब, कहलाते हैं क्षार। और जो वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, वो कहलाते थे अम्ल, एसिड। ठीक है, तो क्षार का मतलब तो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर। तो आपने देखा होगा तीन प्रकार की एमीन पढ़ी है आपने, प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तीनों प्रकार की एमीन पढ़ी है और ये है अमोनिया। चारों में अगर आप देखें तो क्या दिख रहा है आपको, चारों में देखें तो चारों में नाइट्रोजन परमाणु पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि बेटा इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये चाहे तो यदि तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। और जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, कर तो भेज सकता है बेटा, जिसके पास होगा तो इनके पास है, इसका मतलब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है अगर कोई लेना, कोई एक्सेप्ट करने वाला आ जाए तो। इस तरह से हम कह सकते हैं जितनी भी अमीन है सब में बेसिक कैरेक्टर होता है, क्षारीय प्रकृति होती है। क्या होती है, क्षारीय प्रकृति। तो ये बात तो साफ है कि सभी एमीन जो होती हैं क्षारीय प्रकृति की होती हैं, इट इज क्लियर। ये तो साफ बात है बेटा कि सभी एमीन क्षारीय प्रकृति की होती हैं, लेकिन हमें तुलना करनी है कि सर अमोनिया अधिक क्षारीय है, ये अधिक क्षारीय है, ये अधिक क्षारीय है या ये अधिक क्षारीय, कौन सी अधिक बेसिक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो यही है भैया, पहचानना तो हमें पढ़ना तो यही है ना, ना तो
ये तो हम जान गया अभी कि हाँ सभी अमीन क्षारीय प्रकृति की होती है क्योंकि इनके पास नोड पे इलेक्ट्रॉन होता है, खत्म। तो लिखेंगे ऑल एमीन्स आर बेसिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एटम, अर्थात सभी एमीन क्षारीय प्रकृति की होती हैं क्योंकि सभी एमीनों में नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है और ये लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं, इसलिए ये बेस होती हैं। क्या होती हैं? बेस होती हैं, ठीक है। अब तुलना करनी है कि सब अमोनिया ज्यादा क्षारीय है, प्राइमरी एमीन या सेकेंडरी एमीन या टर्सरी एमीन। अब ये एल्किल एमीन भी हो सकती है और एरिल भी हो सकती है क्योंकि एमीन आपने पढ़ा था एल्किल और एरिल दोनों हो सकती है, तीसरी भी होती थी एल्किल एरिल एमीन, ठीक है। तो अगर हमें एक ऑर्डर दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए बेटा, ये दे दिया जाए कि बताइए कौन सी एमीन लिखू। ये अगर हम आपसे पूछे कि बताइए कौन सी एमीन सबसे अधिक क्षारीय है और कौन सी कम है, या हम ये पूछे कि इन एमीन्स को बेसिसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, तो आप क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम केवल, हमें ये तो पता है सभी क्षारीय प्रकृति की हैं, सभी क्षार हैं, एक एक भी ऐसा नहीं जो क्षारीय प्रकृति का नहीं होगा, सब क्षार की तरह भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन कौन तगड़ा क्षार है। तो बेटा इसे समझते हैं कि जो लोन पे इलेक्ट्रॉन, समझ लीजिए जितनी आसानी से दूसरे को या जितनी जल्दी दूसरे पदार्थ को लोन पे इलेक्ट्रॉन दे देगा, वो उतना तगड़ा क्षार होगा, उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब यही जितने भी फैक्टर हैं उनसे हमें यही सीखना है कि सभी फैक्टर में नाइट्रोजन अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन जल्दी से जल्दी कैसे दे, ठीक है। तो एक लाइन तो ये आ जाती है कि जितनी भी एलिफेटिक एमीन, एलिफेटिक एमीन दिख रही है आपको, ये है एलिफैटिक एमीन, अभी ये बची, ठीक, ये सभी एलिफैटिक एमीन है, ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, मतलब ये, ठीक। इसकी बात करें अगर हम, तो ये सभी अमोनिया से अधिक क्षारीय हैं, और इनकी बात करें जितनी भी एरोमेटिक एमीन हैं वो सभी अमोनिया से ज्यादा क्षारीय हैं। तो हम कह सकते हैं एलिफैटिक, एलिफैटिक नहीं, अब लिख लेते हैं, जरा पहले लिख लेते हैं, कुछ लिखेंगे ऑल एमीन्स
ऑल एमीन्स आर बेसिक इन नेचर, सभी एमीन क्षारीय प्रकृति की होती है। ऑल एमीन्स आर बेसिक इन नेचर अर्थात सभी एमीन क्षारीय प्रकृति की होती है। किसके कारण? तो लिखेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण। अब दूसरे पॉइंट में लिखेंगे ऑल एलिफैटिक को एल्किल भी कहते हैं। ऑल एलिफैटिक या कह सकते हैं हम एल्किल एमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया। अब ये किसके कारण? अमोनिया। लिखेंगे ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट खत्म। ठीक है, इतना लिख लीजिए, हो गया। ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ठीक, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। अब देखेंगे बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक एमीन, तो हेडिंग डाल दीजिए बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक एमीन या एल्किल एमीन। बेटा यह है बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक एमीन। ठीक, और बस बेटा ये पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।